पाली से बड़ी खबर आपको दे देते हैं। भाजपा नेता के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो का मामला, पीड़िता ने आईजी राघवेंद्र सुहासा को सौंपा परिवार। भाजपा नेता मोहन जाट सहित अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। पीड़िता ने कहा, आरोपी अभी भी घूम रहे हैं खुलेआम, मुझे और मेरे परिवार को धमकाकर समझौते के लिए दबाव बना रहे हैं। मामला दर्ज होने के 7 दिन बाद भी आरोपियों को नहीं किया गया है गिरफ्तार। आईजी सुहासा ने पीड़िता को शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि पीड़िता मां बेटी और आरोपी भाजपा नेता मोहन जाट का मेडिकल हो चुका है। वहीं मामला दर्ज होने के बाद मोहन जाट को भी जिला महामंत्री पद से देना पड़ा इस्तीफा। और लगातार हम आपको इस मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जब आरोप लगाया गया था भाजपा नेता पर, उसके बाद से लगातार पुलिस पहुंची मौके पर और फिर जांच की, बकायदा मेडिकल भी लिया गया मां बेटी और इसके अलावा जो भाजपा नेता बताए जा रहे हैं उनका पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन अब गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही है। हमारे साथ पाली से सहयोगी भुवनेश टांग जुड़ गए हैं। भुवनेश, इस मामले को लेकर के आप अपडेट दीजिएगा, क्योंकि पीड़िता का यहाँ ये कहना है कि अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, खुलेआम अपराधी और आरोपी घूम रहे हैं, क्या अपडेट इस मामले में? जी शिखा, देखिए, ये 7 दिन पूर्व पीड़िता और उसकी बेटी के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री है मोहन जाट, क्योंकि अब ये इस्तीफा दे चुके हैं। अभी पीड़िता और आरोपी दोनों का मेडिकल तो हो चुका है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो इसी संदर्भ में पीड़िता जो है वो कल आईजी राघवेंद्र सुहासा से मिली थी और उन्होंने इसकी मांग रखी कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। देखा जाए तो गंभीर मामला है, धाराएं गंभीर है, तो गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। लेकिन पुलिस मेडिकल बयान ये सारे कुछ करने के बाद में इसमें कोई कार्रवाई करना चाह रही है। हालांकि आईजी ने भी पीड़िता को आश्वासन दिया है कि शीघ्र कार्रवाई होगी। भुवनेश, क्योंकि अब मुलाकात हुई है आईजी से, और क्या मांग की गई है गिरफ्तारी के अलावा? हालांकि जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, मेडिकल करवाया गया है, अभी तक जो मेडिकल हुआ है उसमें क्या जानकारी प्रथम तौर पर निकलकर सामने आ रही है? भुवनेश, देखिए शिखा, मामला पीड़िता के द्वारा गैंगरेप और पॉक्सो का दर्ज करवाया गया था, तो 164 के जो बयान होते हैं कोर्ट में वो भी हो चुके हैं, मेडिकल हुआ है। अब मेडिकल की जो रिपोर्ट आनी बाकी है उसके बाद में ही पुलिस कोई ठोस कदम उठाना चाहेगी, क्योंकि अभी जैसे चुनाव नजदीक है और उसके पहले एक भाजपा के बड़े पदाधिकारी पर ये आरोप लगा है और आरोपी से पूछताछ जरूर हो रही है, लेकिन गिरफ्तारी जैसा जो मामला है उसमें पुलिस बहुत ही सोच समझकर ये कदम उठा रही है। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने जब प्राथमिकता से इस खबर को चलाया था तो इसके बाद में महिला आयोग ने भी प्रसंज्ञान लिया, महिला आयोग का भी हस्तक्षेप इसमें हो रहा है कि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले। चलिए, शुक्रिया भुवनेश आपका मैसेज जुड़ने के लिए।